का वक्त हो गया, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। बड़ी जिम्मेदारी। तो देखिए, पद हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है। हमारे पास सभी पद रहे हैं और हम तो उस परंपरा के हैं, समाजवादी परंपरा के हैं। आपने देखा है कितने बड़े लोग हुए हैं, जयप्रकाश हुए, डॉक्टर लोहिया हुए, कौन सा पद था इनका, लेकिन पूरे देश को हिला दिया था, पूरे देश को हिला दिया। तो सरकारें जब निकल पड़े तो सरकारों को पता नहीं चला था। तो पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जनता का विश्वास बड़ी बात है। तो देख ही लिया है कल आपने। देखिए, फिर कहा गया कि आपका बंगला खाली कराया जाएगा, तो क्या लगता है कि बीजेपी को जब लगा कि आप फिर से मजबूत कर रहे हैं सपा को, तब ये सारी कार्रवाइयाँ शुरू की गई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताओ, सुरक्षा सुरक्षा हटाने मुझे कौन सा सुरक्षा की जरूरत है? हमारे तो बरकत सुरक्षा ये का तो देना चाहिए। अखिलेश जी तो कर सकते थे ना, आपको नेता विपक्षी दल बना दें तो आपकी सिक्योरिटी नहीं, तो वैसे भी मेरे बढ़ी। लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। नेता विपक्ष भी मैं रह चुका हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका, जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मैं सब पद में लग चुके हैं। पद की कोई हमें लालसा नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुझे बहुत काम करना है, मुझे काम करना है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। और देखिए, संघर्ष के बल पर संघर्ष चलेगा, और संघर्ष के बल पर परिवर्तन करना है, इस सरकार को हटाना है। गुंडों की पार्टी ही कहते हैं, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं सारे माफिया गुंडे। देखो, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद खुद गुंडाई करती है। ये गुंडाई नहीं और क्या है, जो किसी पर झूठे मुकदमे ला दो, किसी का घर गिरा दो, बुलडोजर चला दो, ठोंक दो किसी को, ये क्या है? अच्छा, ये ठोंक दो किसी को, ये क्या है? हमारे लोगों ने तो कहीं कहा नहीं, कह रहे ये भी कह रहे थे सेपे वो मैनपुरी में, तो गुंडाई से हम लोग जीते। जब इतना फोर्स लगा दिया, पूरी सरकार लगी थी, और जो भी देखिए यादव मुसलमान जो भी थे, एक भी दरोगा जो भी पोस्ट दिए थे, उन्हें छुट्टी दे दी जबरन, अभी तक उन्हें ज्वाइन नहीं कराया। अच्छा, 20 दिन का अभी तक ज्वाइन नहीं कराया, तो इससे बड़ी गुंडाई कौन कर रहा है? ये सीधा सीधा सरकार गुंडाई कर रही। पहले के अखिलेश जी और अब के अखिलेश जी में क्या फर्क पा रहे हैं आप? कार्यशैली में वर्क कल्चर जो है वो विधानसभा चुनाव के, मुझे तो लग रहा है और बेहतर होता जा रहा है, और बेहतर होता जा रहा है। जो आपने छोटा छोटे नेताजी का लकब उन्हें दिया है, तो क्या लग रहा है कि उस रास्ते पर चल रहे हैं? जैसे खासकर वो पहले था कि वो लखनऊ में ही लोगों से मिलते। देखिए, इसका तो परिणाम मैनपुरी है। इसका तो परिणाम मैनपुरी है। हाँ, बेसिक शुरू में दे रहा हूँ। मैनपुरी में जिस तरीके का चुनाव इस टाइप से नहीं होगा, इस टाइप से नहीं होगा। सरकार के बल पर और पुलिस के बल पर और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, कोई बचा नहीं है मंत्री, लालच से लेकर के क्या नहीं दिया, तब भी जनता ने सपोर्ट किया, जनता ने वोट किया, वोट करके कितना वोट किया जनता ने। और अगर इतना टेरर नहीं होता तो मेरे समझ में जीत 5 लाख से ऊपर होती वहाँ पर। तो देखिए, इसी तरीके से अब जनता जनता पर फिर फैसला लेगी। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर।